हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिया कुकिंग क्लासेस। माय नेम इज रोहिणी। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दही का यूज करके एगलेस चॉकलेट केक स्पॉन्ज। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें एक बाउल में लेना है 220 ग्राम दही। 250 ml के कप से ये एक कप है। दही कभी भी केक के लिए ठंडा नहीं यूज करना है और खट्टा भी नहीं यूज करना है। अब इसके अंदर हमें ऐड करना है 180 ग्राम पाउडर शुगर। आपके पास अगर कैस्टर शुगर अवेलेबल है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। दही और पाउडर शुगर को हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब इसके अंदर हमें ऐड करना है 1 TSP बेकिंग पाउडर और 1/2 TSP बेकिंग सोडा। इन्हें भी हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब मिक्स करने के बाद इसे हमें अब 5 मिनट के लिए साइड में रखना है। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के रेडी करेंगे। यहाँ पे ये मैंने लिया है 190 ग्राम मैदा। 250 ml के कप से ये 1.5 कप मैदा है। अगर आप सारा मेजरमेंट ग्राम्स में लोगे तो आपकी रेसिपी परफेक्ट रेडी हो जाएगी। अब यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ पिंच ऑफ सॉल्ट। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 45 ग्राम कोको पाउडर। ये 250 ml के कप से 1/2 कप इतनी है। इन्हें अब हमें अच्छे से छानना है। केक के लिए आप कोको पाउडर कभी भी छुट्टा वाला मत यूज़ कीजिए। अच्छा वाला कोको पाउडर यूज़ कीजिए तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो ये हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट छान के रेडी है। अब 5 मिनट हो गए हैं। हमने जो बैटर साइड में रखा था, आप देखो उसको बबल्स आ गए हैं। इसके अंदर अब हमें ऐड करना है 100 ग्राम ऑयल। यहाँ पे ये मैं रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ऑयल को थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए इस बैटर के साथ हमें अच्छे से मिक्स करना है। केक के लिए हमें कभी भी स्मेल वाला ऑयल नहीं यूज़ करना है। ऑयल को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर अब हमें ऐड करना है 1/2 TSP वैनिला एसेंस। इसे भी हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब इसके अंदर हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट छान के रखे थे उन्हें ऐड करना है। अब इन सारी चीज़ों को हमें कट एंड फोल्ड मेथड से ऐसे मिक्स करना है। इस बैटर को हमें ओवर मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है। आप इसे धीरे धीरे हैंड विस्कर से भी मिक्स कर सकते हो। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये हमारा केक के लिए परफेक्ट बैटर रेडी है। फ्रेंड्स, मैंने जो दही यूज़ किया था वो थोड़ा पतला था, उसके वजह से ये मेरा बैटर एकदम परफेक्ट रेडी है। आपने अगर बहुत थिक दही यूज़ किया तो ये बैटर आपका थिक हो सकता है। अगर ये बैटर आपका थिक हो गया है तो आप इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून दूध ऐड कर सकते हो। ये जो रेडी बैटर है 8 इंच के टिन में एकदम परफेक्ट बैठता है। लेकिन आपको अगर केक में थोड़ी सी हाइट चाहिए तो इस बैटर को आप 7 इंच के टिन में भी पोर कर सकते हो। यहाँ पे ये मैंने 7 इंच का टिन लिया है रेडी करके। उसके अंदर मैंने बैटर को डाल दिया है। इसको हम ऐसे स्पैचुला से थोड़ा सा लेवल करना है। इस टिन को हमें अब अच्छे से टैप करना है। आप इस केक को प्री हीटेड OTG या माइक्रोवेव में 180 डिग्री पे 35-40 मिनट बेक कर सकते हो। मैं इस केक को गैस पे बनाने वाली हूँ तो मैंने ऑलरेडी बर्तन को प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। ये बर्तन प्रीहीट हो गया है। अब इसके अंदर मैं ये केक का टिन रख देती हूँ। अब इसे मैं डायरेक्ट आधे घंटे बाद चेक करूँगी। अब 30 मिनट हो गए हैं। अब मैं इस केक के अंदर टूथपिक डाल के चेक करती हूँ। ये टूथपिक क्लीन निकल आया है, मतलब ये हमारा केक परफेक्ट बेक होके रेडी है। इस केक के ऊपर अब मैं क्लीन नैपकिन डाल के इसे टिन में ही मैं 10 से 15 मिनट ठंडा करूँगी। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, ये केक अब ठंडा हो गया है। अब मैं इसे आपको डिमोल्ड करके दिखाती हूँ। इसके साइड्स हमें ऐसे लूज करने हैं। इसके ऊपर से एक प्लेट रखना है और टिन को उल्टा करना है। वाओ, आप देख सकते हो ये केक कितना परफेक्ट बेक हो गया है। इसे कितनी मस्त जाली भी आई है। फ्रेंड्स, इसी केक स्पॉन्ज का यूज़ करके नेक्स्ट सेशन में मैं आपको मैट इफेक्ट केक बना के दिखाऊंगी। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।